तो हम और क्रियांश दोनों तैयार हो गए हैं। ये है हमारा घाट। तो हमारा डाला भी यहाँ पर तैयार हो गया जी। इस डाला को लेकर के जल्दी से अब चलते हैं ऊपर। तो सभी लोग जी यहाँ पर आ चुके हैं और सारा सूप डाला सब आ चुका है और अब बारी अर्घ्य देने की। तो सभी लोग जा रहे हैं एक करके अर्घ्य देने के लिए। इसके ऊपर भी जितना भी दीपक है सब कुछ जो है लगभग जल ही चुका है। ये संसार के सभी सज्जन माँ बाप के लिए दुआ और क्षमा और दया। और अब बारी है जी जितनी भी सुहागन है सभी को सिंदूर करने की। भगवान अगर चाहेंगे तो अगला साल हो सकता है मेरे लिए साड़ी लेके छठ में। तो यहाँ पर जी फल आ गया है और भी फल सब है ऊपर, तो उसको लेकर के हम आते हैं। और जिया जो है सारा सूप को सजा रही है। यहाँ पर 5 सूप है तो 5 सूप में जो है फल रखा जाएगा, सभी फल का एक एक क्वांटिटी। पिछली बार हम लोग सोचे थे अनानास लेंगे तो अनानास नहीं ले पाए थे और इस बार जो है हम लोग लेकर के आए हैं क्योंकि लास्ट टाइम जो अनानास खत्म हो गया था जब तक हम लोग गए थे खरीदारी करने के लिए। इस बार बोले कि बहुत आया हुआ है इस वजह से खत्म नहीं। तो हम और क्रियांश दोनों तैयार हो गए हैं और क्रियांश तो पहले भी तैयार था, अपना एक कपड़ा जो है गीला कर दिया ये और उसके बाद जो है फिर से इसको फ्रेश कपड़ा पहनाया गया। लेकिन जो नया कपड़ा पहना है अच्छा ही है, दोनों का मैचिंग है, देख सकते हैं दोनों का जो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम ही कलर का है। मेरा भी देखिए ऐसा है कुछ। और हमारा घाट भी जो है लगभग तैयार हो चुका है तो देख सकते हैं ये है हमारा घाट। और जिया वहाँ पर हाथी लेकर के आई हुई है और जिया यहाँ पर जो है पिठार लगा रही है तो देख सकते हैं। पिठार बोलती है तुम लोग क्या बोलती है? चौरट पिठार ही बोलते हैं। घाट से आगे की देखिए। और क्रियांश की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। क्रियांश इतना खुश है एकदम जब से यह ड्रेस पहना है और जब से छत पर आया और यहाँ पर जो देखा डेकोरेशन सब हो रहा है और यहाँ पर जो है इसको पूजा का एक माहौल देख गया। और जब भी कोई भी पूजा का माहौल होता है क्रियांश पहचान जाता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। देख रहे खुशी इसकी? ओ भाई साहब जबरदस्त खुश है। तो हमारा डाला भी यहाँ पर तैयार हो गया जी। इस डाला को लेकर के जल्दी से अब चलते हैं ऊपर। उधर दीपक भी सारा तैयार है और पड़ोस के अंकल आंटी भी आए हुए हैं छठ देखने के लिए, तो चलते हैं जल्दी से। तो सभी लोग जी यहाँ पर आ चुके हैं और सारा सूप डाला सब आ चुका है और अब बारी अर्घ्य देने की। तो सभी लोग जा रहे हैं एक एक करके अर्घ्य देने के लिए। यहाँ पर जी सूप जो चढ़ गया है उसके बाद सभी ने अर्घ भी दे दिया है डूबते हुए सूरज को। और उसके बाद जो है अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं हमारे मोहल्ले में और भी बाकी सब जगह छठ हो रहा है छत के ऊपर, तो आपको एक एक करके दिखाते हैं। तो पहला दिखाते हैं आपको यहाँ से, देख रहे हैं उस छत पे वो आपको दिख रहा होगा, एक वहाँ छठ हो रहा है और मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरा यहाँ पर हो रहा है, तीसरा वहाँ पर हो गया ठीक, और चौथा मैं आपको दिखाता हूँ, एक वहाँ पर हुआ है ठीक, और एक यहाँ पर हुआ है जो मम्मी कर रही थी, और भी बाकी छत सब पर है लेकिन यहाँ से दिख नहीं सकता। तो सभी लोग जी अपने अपने जगह पर कर रहे हैं छठ और काफ़ी अच्छा लगता है जी। और छठी मैया जो है सभी के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे और छठी मैया की कृपा बनी रही, तो ऐसे ही हमेशा छठ करते रहेंगे और ऐसे ही धूमधाम से करते रहेंगे। और पूरे छठ के समय जो है क्रियांश को ऐसे बाबा ने टांगे रखा क्योंकि हमेशा पापा की तरफ भागता है और इसको नीचे छोड़ दिया जाता तो ये क्या करता आप समझ सकते हैं, पूरा भींग जाता और शायद जितना भी सजावट है सब इधर उधर हो गया होता, तो इसलिए क्रियांश को जो है संभाल के रखा। देख रहे हैं वहाँ पर ए, मजे में है एकदम। नेक्स्ट डे तो अभी बज रहे हैं जी सुबह के 2:15, तो 2:15 बजे हम लोग उठ गए और उठ करके जो है जो भी पूजा का काम है वो सब करना है। और क्रियांश जो है अपना एक सेब उठा लिया है और क्रियांश सेब खुद भी खा रहा है। हाँ पापा को भी दे रहा है, देख रहे हैं सामने। नहीं नहीं हमें नहीं खाना है, तुम खा लो अपना। डांस कर रहा है क्या? डांस कर रहा था अभी, करो कैमरा ऑन होते ही बस डांस खत्म। तो जिया का तो नहाना हो गया, तो जिया अपना फल धो करके जो है सारे सूप में डाल रही है
और उसके बाद जो है क्रियांश को हमने भेज दिया है नीचे। हो क्या रहा था जी, क्रियांश के यहाँ रहते हुए जो है मुश्किल हो गया था मेरा भी इस काम में हाथ बटाना, क्योंकि क्रियांश जो है भाग भाग गया था प्रसाद के पास ही लेने के लिए। तो प्रसाद आज जब तक चढ़ नहीं जाएगा उससे पहले खाना नहीं है, तो वही कोशिश कर रहे थे कि प्रसाद को क्रियांश से बचाया जाए। दादा दादी भी जो है क्रियांश के जग चुके हैं, तो अब जो है क्रियांश चला गया है अपने दादा दादी के पास और हम जाते हैं जा करके हम नहा लेते हैं। हमको भी मौका मिल गया है नहाने का और नहा करके हम पूजा पाठ में जो है थोड़ा हाथ से बटाते हैं। A few moments later. तो हम लोग जी हो चुके हैं तैयार, जी अभी तैयार हो गई, हम भी तैयार हो गए और क्रियांश का भी कपड़ा आ गया है और नीचे मम्मी पापा को भी तैयार होना है। तो जल्दी से जो है सारा सामान जाकर के ऊपर पहुंचा देते हैं, उसके बाद जो है क्रियांश को कपड़ा पहना देते हैं, फिर उसके बाद अभी लोग जो है जल्दी से तैयार हो जाएंगे और कुछ ही समय में जो है अर्घ देने का समय भी हो जाएगा, लगभग 4:30 बज गया, तो जल्दी चलते हैं ऊपर। तो यहाँ पर डाला आ गया जी और डाले से जो है कुछ कुछ सूप जो है निकाल भी दिया गया है और अब जो है दीप जलाया जाएगा और साथ अभी इस हाथी राजा को भी जला दिया जाए। ठीक है रुको। तो यहाँ पर सारा डाला लग चुका है जी और हमारे जो हाथी महाराज है इसके ऊपर भी जितना भी दीपक है सब कुछ जो है लगभग जल ही चुका है, तो काफी अच्छा लग रहा है और क्रियांश नीचे रो रहा है, तो जल्दी से जाते हैं उसको पकड़ते हैं। तो अब क्रियांश भी हमारा तैयार हो गया, देख सकते हैं यह भी अपने फेस्टिव लुक में है, अब एकदम खुश है कि ऊपर जाने वाला है, तो चलते हैं। और यहाँ यह घिरनी बुझ गया जैसे कैमरा निकाले। क्रियांश मजा आया, मजा आया और चाहिए, चलो और गोल। ये क्रियांश क्या चल रहा है क्रियांश? A few moments later. तो माँ भी आ गए हैं और पास के जो है अंकल आंटी सब भी आ चुके हैं और यहाँ पर जो है दीपक और भी अच्छा लग रहा है, रात में तो अच्छा लग ही रहा था अभी और भी अच्छा लग रहा है। इस समय जो है लगभग सभी लोग आ चुके हैं अपने अपने छत पर, तो देख सकते हैं मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ, जो पीछे का छत है वहाँ भी सभी लोग आ चुके हैं। तो हमारी भाभी भी यहाँ पर आ चुकी है। देवता जो है नजर आ रहे हैं और धीरे 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 ऊपर आ जाएंगे वह, और जैसा कि समय बोला गया था कि 6:11 में नजर आएंगे, 6:11 ही हो रहा है। तो सही में जी जिनका भी प्रेडिक्शन था 6:11 में बिल्कुल एकदम 6:11 पर ही सूर्य देवता एकदम प्रकट हुए हैं, तो सही प्रेडिक्शन है जी, बहुत ही जबरदस्त अनुमान है उनका। आराम से आराम से। या दे दो तुम पहले, फिर हम दे देते। वहाँ पर जी सभी ने अर्घ दे दिया और सूर्य देवता जो है अब अच्छा खासा तौर पर जो है प्रकट हो चुके हैं, देख सकते हैं पीछे आपको शायद नहीं दिख रहा होगा कैमरे में ढंग से। तो अब बारी है थी आरती की, तो जल्दी से आरती के लिए तैयार किया जा रहा है दिया। दीदी अब तो लगभग छठ हो गया, ईश्वर से प्रार्थना इसी तरह हमारा दिन कर छठ पूरा करते रहे, संसार के सभी सज्जन माँ बाप के लिए दुआ और क्षमा और दया मांगते हैं, उसी लाइन में प्रभु हमको भी रखे। और हम क्या कह सकते हैं, जब तक हमारी क्षमता है हम व्रत करते रहेंगे, भगवान दया बरसाते रहेंगे। तो क्रियांश अभी तक सोया हुआ था और क्रियांश भी फिलहाल जग गया है, जग के आरती सब ले लिया है और नींद इसका जो है बीच में ही थोड़ा टूट गया है, इस वजह से जो है यह थोड़ा रो रहा है। A few moments later. तो माँ जो है अपना साड़ी बदल करके आ चुकी है और नए कपड़े में आ चुकी है और अब बारी है जी जितनी भी सुहागन है सभी को सिंदूर करने की, तो माँ सभी को सिंदूर कर रही है। तो अब बारी है जी क्रियांश के प्रसाद खाने की, तब क्रियांश को सेब दिया जा रहा है ना। हे हे क्रियांश सेब लेगा प्रसाद लेगा। भी लेगा ये क्रियांश बाबा।
से प्रार्थना करते हैं जिस क्षेत्र में हमारा बेटा काम कर रहा है इतनी ख्याति दीजिए या दूसरी बार सोचने के लिए इसको मौका नहीं मिले। अच्छा, छोटा बेटा कहीं है बाहर पढ़ रहा है मतलब इसके चलते यहाँ नहीं आया, लेकिन एक दूसरी माँ है जो जसुदा है उसी के पास हमारा बेटा है। भगवान अगर चाहेंगे तो अगला साल हो सकता है मेरे लिए साड़ी लेके छठ में। अच्छा। और पूरे दुनिया के लिए मैं हर समय प्रार्थना करती हूँ और मैं कहती जो जहाँ है मेरा भाई भतीजा मेरा अपना ससुराल का परिवार और समाज का परिवार सबके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सब लोग खुश रहें।